हेलो दोस्तों, तो आज की जर्नी में हम हल्द्वानी से वाया ट्रेन निकल पड़े हैं वहां को, जहां के प्रकाश नगर के पकौड़े, कार्टन की जलेबी, विकास नगर के समोसे और दाल मुरादाबादी फेमस है। आप सही समझे हैं कि हम पहुंचे हैं पीतल नगरी मुरादाबाद। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो हम लोग पहुँच गए ब्रास गिफ्ट सेंटर, दिखाते हैं आपको वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, तो चलिए मेरे साथ। तो ये हैं ब्रास गिफ्ट सेंटर के ओनर विक्रांत गुप्ता जी, और इनसे हम मिले थे गिफ्ट्स वाली जो वीडियो है उसमें इनका स्टॉल था वहाँ पे, तो तब से हमारी बात हो रही है। तो भैया बताइए, आपका स्टोर कितना पुराना है? हम लोगों ने 2015 से स्टोर खोला है, लेकिन हमारे ना पहले रिलेटिव वगैरह ये काम करते थे, तो उनका ही एक्सपीरियंस हमने कैरी फॉरवर्ड करा है और लगभग वो ये काम 50 ईयर से कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर कोई ब्रास का आइटम जा रहा है तो 99% वो मुरादाबाद से ही जा रहा है, और यहाँ पे अब ब्रास से हटके एल्युमिनियम वगैरह के, आयरन वगैरह के और ग्लास के आइटम भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सारे मुराद के जो प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो हम अपने स्टोर में रखें। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या आइटम हमारे स्टोर में हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, हमारे गिफ्टिंग आइटम्स हैं। ये एक्चुअली ये अंदर से ब्रास है, लेकिन इसमें ना सिल्वर कोटिंग करी गई है और फिर कलर भरा गया है। ये सिल्वर और ये गोल्ड में है। ओके। ये सिल्वर गोल्ड प्राइस होगा इसका? ये लगभग आपको 800 रुपीज़ तक की रेंज में आएगा। अच्छा, और उसका गोल्ड वाले का? वो लगभग सेम कॉस्टिंग में ही है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे और भी इस तरीके के आइटम है। ये अंदर से तो पूरा ब्रास है, लेकिन इस पे बस कोटिंग करी गई, इसको हम गोल्ड लैकर बोलते हैं। गोल्ड लैकर। और इसको सिल्वर प्लेटिंग, प्योर सिल्वर की प्लेटिंग होती है ये, और जो गोल्ड है वो लैकर होता है। एक्चुअल गोल्ड से उसका कोई मतलब नहीं, इस तरह का कलर। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एल्युमिनियम के आइटम भी बनने लगे हैं आजकल, तो ये हमारे सब एल्युमिनियम के आइटम है, वॉल हैंगिंग आइटम्स। सेम प्रोडक्ट आपको इस रैक में भी दिख जाएंगे। मैं ऐसे कहता कि आइटम बहुत है, मतलब इतनी वैरायटी है कि हमारा स्टोर कम पड़ जाएगा, लेकिन वैरायटी खत्म नहीं होगी। फिर भी हमने कोशिश की है कि सारे के सारे आइटम हम लोग अपने स्टोर में लगाएं। तो भैया सबसे लोएस्ट प्राइस पे क्या चीज़ है? मतलब लगभग 200-150 रुपीज से स्टार्ट होता है, उसमें एल्युमिनियम के आइटम वगैरह ज़्यादा आते हैं। जैसे ये आइटम है लगभग 200-250 की रेंज में आपको मिल जाएगा। एल्युमिनियम के गणेश जी हैं ये चांद पे बैठे हुए, ये पूरा रैक एल्युमिनियम की है। ऊपर भी आप देख रहे हैं एल्युमिनियम के स्टैचूज हैं। तो गिफ्टिंग कैटेगरी में आजकल क्या ना, ये वुडन के आइटम भी चल रहे हैं। अच्छा। वुडन के आइटम वगैरह भी इसे ना पिज्जा प्लेटर बोलते हैं। ओके। जो सर्विंग करते हैं बड़े होटल, वो इस टाइप के आइटम में आपको पिज्जा रख के देते हैं, तो वो यहीं से जा रहे हैं। तो भैया आपका एक्सपोर्ट का भी चलता है और? हाँ, एक्सपोर्ट भी है हमारा और हम लोकल भी बेचते हैं। एक्सपोर्ट में ज़्यादातर इस टाइप के आइटम जाते हैं एल्युमिनियम वगैरह के, और ब्रास के जो लोकल मार्केट में जाता है वो ब्रास के स्टैचूज और पूजा आइटम वगैरह ज़्यादा जाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे सब ये प्लेटर्स हैं, ये सब दिवाली गिफ्टिंग पे खूब जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये शंकर जी हैं, लगभग ये 3.5 फीट की हाइट में, ये बड़ा पूरा शेर है। ये ऑलमोस्ट हमने जो बनाया एक बड़े शेर के साइज का ही उसको बनाया गया है फुल साइज में, ताकि एक्चुअल रियल बाघ का भी काफी खौफ चल रहा है। हाँ। और ये किशन जी है, ये किशन जी समझ लिए, ये इतने बढ़िया पीस है कि कोई भी आता है और उसको अगर पसंद आया तो वो लेके ही जाता है। वो हमसे रेट नहीं पूछता कितने रेट का है, वो कहता है मुझे ये दे दो। अब किसी ने तो इनसे पूछा नहीं होगा कि इसका प्राइस क्या है, हम पूछ लेते थोड़ा डर डर के, क्या प्राइस है भैया इसका? इसका प्राइस है 3,60,000 रुपीज। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सेकंड फ्लोर पे, और अब यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो भैया आपका जो है होलसेल रिटेल दोनों में अवेलेबल है? दोनों में अवेलेबल है, हम होलसेल में देते हैं, रिटेल में भी बेचते हैं। और ऑनलाइन का कैसा है? ऑनलाइन भी हम सेल कर रहे हैं, हमारे सारे आइटम जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। उसमें आप चाहें तो सिक्योरिटी ऑप्शन भी अवेलेबल है, प्रीपेड ऑप्शन भी अवेलेबल है। हम लोग टाइम टू टाइम सेल भी लगाते हैं, कूपन वगैरह भी देते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट से करा जाए तो क्या फायदा है? देखिए, अगर आप हमारी वेबसाइट से ऑनलाइन लेंगे कम्पेयर टू एनी अदर साइट लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हम आइटम खुद अपना आइटम खुद पैक करके खुद बेच रहे हैं आपको, तो हम ना क्वालिटी मेक श्योर करते हैं क्वालिटी सही जाए, सही आइटम जाए, क्योंकि हमारा पर्पस है कस्टमर को जुड़ना, अपनी ब्रांड की वैल्यू बनाना, ना कि जो है कस्टमर को कुछ ऑर्डर किया और कुछ भेज दिया, वो काम हम नहीं करते। और सेकेंडली आपको बहुत सस्ते मिल जाता है आइटम। आपको पता है फ्लिपकार्ट अमेजोन लगभग 50% चार्ज करता है कमीशन में, अब जब आप हमसे लेते हैं तो वो 50% उनको ना जाके डायरेक्टली प्रोडक्ट क्वालिटी में जाता है। भैया अब दिखाइए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हमारा पूजा आइटम का सेक्शन है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ पूजा थाली है। ये देख रहे हैं पूजा थाली है, इसमें सब आइटम फिक्स है, कुछ आइटम हमारे पास अलग पूजा थाली भी है, 7 पीस की पूजा थाली है, ये लगभग 1,060 रुपीज़ की है। तो काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छे प्राइस में आपको ये मिल रहा है पूरी की पूरी पूजा थाली। तो इसमें घंटी वगैरह जो भी आई थिंक इसको अचमन क्या कहते हैं इसको, अचमनी कहते हैं। हाँ, अचमनी और दीपक और सिंदूरदानी सब कुछ है इसमें। तो भैया आपके जो आइटम्स हैं मैन्युफैक्चर कहाँ पे होते हैं? सारे आइटम जितने भी आप शुरू में हमारे देख रहे हैं सब मुरादाबाद में बनते हैं, हम बाहर से कोई भी आइटम लेके नहीं बेच रहे,
क्योंकि हमें पता है कि मुराद में इतने आइटम हैं, हम मुराद को ही ऑल ओवर वर्ल्ड पहुंचाना चाहते हैं। ब्रास की कुछ अलग सा दिखा मुझे, ब्रास का डमरू ले जाते हैं इसको लोग। हाँ, लो लेते हैं। शिवरात्रि पे ना शिव जी से रिलेटेड सारे आइटम यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे क्या देना, इसे जलेश्वरी बोलते हैं, जलेश्वरी है, ये पूरा शिवलिंग है, इससे रुद्राभिषेक करते हैं शंकर भगवान का। यहाँ पे आप इसे मिल्क भर के, दूध भर के उनके ऊपर यहाँ से करते हैं। इसका क्या प्राइस है इस डमरू का? ये लगभग तो बजाना भी नहीं आ रहा। एक आपको एडवांटेज ये मिलता है हमारे यहाँ से कि जैसे उसका ये दीपक है, तो इस दीपक की कम से कम 10 साइज हम पे अवेलेबल है। 10 साइज साइड पे सब साइज अवेलेबल है हमारे। आपको जो आपको लगता है कि ये भी छोटा बनना चाहिए और बड़ा चाहिए और बड़ा चाहिए, या आपके रेट्स वगैरह सेट करने हैं, उसके सब कुछ मिल जाएगा यहाँ। काफी बड़ी, मतलब काफी सारी चीजें अवेलेबल यहाँ पे। देखिए दीपक की, मतलब कहते हैं ना, उसी के कितनी वैरायटी, बहुत आइटम लगे हुए हैं। दीपक है, कुबेर दीपक, लक्ष्मी दीपक, दीपक के साथ चिमनी भी दी है। कई बार लोगों का वो आता है कंप्लेंट, भाई दीपक रखते हैं हम लोग मंदिर में, पंखे से बुझ जाता है, उसके लिए हमने चिमनी दी हुई है ताकि आप इसे बुझे ना। और इसकी प्राइस समझिए मात्र 400 रुपीज में। अब देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं डायरेक्ट वाइज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रास के और तांबे के लोटे वगैरह हैं, ये जल चढ़ाने के काम आते हैं, जल अभिषेक करते हैं लोग जनरली। हाँ, ये कन्यादान वाला है। तो आपका जो स्टोर है ये मुरादाबाद में जानबूझ के बनाया है क्योंकि ये ब्रास सिटी है? नहीं, एक्चुअली क्या ना, हमने जो भाई आप मुराद में आते हो, आप ब्रास का स्टोर नहीं बनाओगे तो क्या स्टोर बनाओगे? अब सचिन तेंदुलकर आएगा तो वो बैटिंग और बॉलिंग ही करेगा, फुटबॉल नहीं खेलेगा। होता क्या है यहाँ पे, क्या ना, मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है वो होलसेल में होती है, तो दुकानें तो यहाँ पे बहुत हैं, लेकिन शोरूम कोई नहीं है। आप वहाँ जाएंगे आपको इतनी वैरायटी देखने को नहीं मिलती, मतलब वहाँ पे आपको लगेगा यार 5-6 आइटम बनते हैं यहाँ पे बस। लेकिन यहाँ पे हमने कोशिश की कि हम वो वैरायटी दिखाएं कस्टमर को कि आए, हाँ भाई ये चाहिए, ये भी अवेलेबल है, ये चाहिए, ये भी अवेलेबल, सब मिल जाता है। ये क्या चीज़ है? ये ब्रास की उर्ली। उर्ली उर्ली, हाँ, ये ना साउथ में लोग यूज़ करते हैं, घर के आगे इसमें पानी डाल के फ्लावर्स डालते हैं मंदिर के आगे। तो इसमें हाँ, वेट कितना होगा? ये लगभग क्या कहते हैं 3 kg का है। 3 kg, और प्राइस? 3 kg का ये प्राइस आपका अप्रॉक्सीमेटली है 5,700 रुपीज। वेट के हिसाब से होता है? एक्चुअली ना वेट के हिसाब से होता है और कुछ क्वालिटी के हिसाब से होता है, डिपेंड करता है आप बेसिक मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो आइटम है ये ब्रास का ना, ये जो वर्क किया हुआ है ये बेसिक मुरादाबाद का बेसिक वर्क है जो स्टार्टिंग में एक्सपोर्ट शुरू हुआ था। कहते हैं इसे, हाँ, इसको हैंड वर्क बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये आप ना कारीगर वगैरह हैं वो लोग इसको गर्म करके कलर को, मतलब सारा हाथ से भरा हुआ है, पीतल के ऊपर हाथ से भरा हुआ कलर है, बैठ के बनाते हैं। 2 दिन में सिर्फ एक ही पीस बना पाता है, 10 पीस अगर आप बोलेंगे तो महीने भर चाहिए बनाने के लिए, इसलिए हम जनरली इसको स्टॉक भी करते हैं ताकि ईजिली हमारा सेल कर सकें। ब्रास का ही? हाँ, ये सब ब्रास का है। दिखाता हूँ क्वालिटी, एक क्वालिटी ये है, पहले इसके ऊपर निकल प्लेटिंग करी गई है ताकि ये वाइट हो जाए, निकल प्लेटिंग की, फिर उस पर कलर भरा गया। उल्लू वगैरह भी जो फैंग शुई में काम आते हैं, शेर भी है, मंकी भी है, ये इनोवेटिव थोड़ा मतलब फनी टाइप के आइटम भी है, फ्रॉक वगैरह गिफ्टिंग पर्पज से भी काम आता है, लोग गिफ्ट करते हैं, सब अवेलेबल है। फिश वगैरह देखिए, फिश खूब चलती है, डॉल्फिन वगैरह लोग रखते हैं अपने घर में। यहाँ पे अराउंड कितने प्रोडक्ट की वैरायटी अवेलेबल है शोरूम के अंदर? ही समझ लिए हम पे जो है कम से कम 5,000 प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल है। आप डायरेक्ट जाइए, हमारी ऐप भी है, वेबसाइट भी है, वहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको इनकी वेबसाइट की लिंक और अमेजोन वगैरह का सारा का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन पे विल लीव इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, तो प्लीज़ डू चेक आउट क्योंकि बहुत अमेजिंग स्टफ है इनका। प्राइसेस भी बहुत हाई एंड नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू द जो भी आप सामान ले रहे हो क्वालिटी के अकॉर्डिंग और उसका जो भी बनता है उसके अकॉर्डिंग ही इनके प्राइसेस हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। सारे राधा कृष्ण के स्टैचू यहाँ लगे हुए हैं, शंकर भगवान के स्टैचू हैं, ऊपर हमने हनुमान जी रखे हुए हैं, ये सारा हमारा दुर्गा जी का कलेक्शन है। फ्लोर पे कितना किलो ब्रास होगा? एक्चुअली मैंने कभी तोला नहीं है इसे, कितने किलो होगा, क्योंकि अगर तोलेंगे तो फिर हम खुद ही कहेंगे भाई ये क्या है। स्मॉल आइटम्स के लिए सेपरेट हमारी बना रखी है, सेपरेट पे दिया हुआ है ताकि वो आइटम ईजिली आप डिस्प्ले कर सकते कस्टमर को। स्मॉल मूर्ति चाहिए यहाँ अवेलेबल है, सारे भगवान अवेलेबल हैं, लड्डू गोपाल भी अवेलेबल है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये कुछ डेकोरेटिव आइटम भी अवेलेबल है, इसे बोलते हैं म्यूजिकल सेट, 4 पीस सेट होता है, पूरा 4 पीस का सेट है, तो ये 5 पीस का सेट है, ये राजस्थानी म्यूजिकल सेट बोलते हैं इसे। देख रहे हैं यहाँ पे सूर्य रथ भी है और अर्जुन रथ भी है। जैसा कि आते हैं ना पॉलिटिकल लीडर्स की स्टैचूज वगैरह भी हमारे पास हैं, जैसे कि मोदी जी का स्टैचू भी हम पे है और अंबेडकर जी का भी है और उनका स्टैचू यूनिटी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी हम पे स्टैचू अवेलेबल है। इतना सारा है यहाँ पे, आपको भी याद नहीं रहता होगा। ये परशुराम जी का भी है, ये धनवंतरी है, ये जगह आयुर्वेद के देवता कहते हैं धनवंतरी जी यहाँ पे। इन सब का आइडिया कहाँ से आता है, मतलब कि ये बनाना है? देखिए पहले तो पास एक्सपीरियंस है, बाकी फिर डिमांड भी है। अब जैसे मोदी जी आए तो उनका स्टैचू आ गया, अब कोई और नेता आएगा तो उनका आ गया, तो मोदी ने बनाया स्टैचू यूनिटी,
तो हमने उनका भी बनाया। ये अम्बेडकर जी दिख रहे हैं मुझे आप। ये अम्बेडकर जी का हमने इसमें लगाया हुआ, कोई 15 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती आ रही है तो उन्हें सेपरेट हमने डिस्प्ले लगाया हुआ है। कोई कस्टमर आता है भाई अम्बेडकर जयंती का स्टैचू चाहिए आपका, तो उसके लिए हमने सेपरेट डिस्प्ले लगाया हुआ है। टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। सपोज नौ दुर्गा आएंगे तो दुर्गा जी लगा देंगे, जन्माष्टमी आएगी तो लड्डू गोपाल और कृष्ण जी के स्टैचू वगैरह लगा देंगे। ये तो नॉर्मली कुछ इंस्टीट्यूट वो सब ऑर्डर करते होंगे ना इसको? हाँ, इंस्टीट्यूट में भी लगता है और जो इनके मानने वाले हैं वो अपने घरों में भी लगाते हैं और गिफ्ट भी करते हैं। क्या प्राइस है इनका? ये लगभग आपको 1500 रुपीज की रेंज में मिलेंगे। इनका टैग हमने अंदर लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं हर आइटम के ऊपर टैग है और बारकोड भी लगाया हुआ है उसका। तो आपको कुछ भी अगर बनवाना भी है किसी की मूर्ति, अपनी भी अपनी बन जाएगी? हाँ, बन जाती है। हम लोग क्या कहते हैं, ऑन डिमांड, जैसे कोई आते हैं भाई ये हमारे मतलब एक्सपायर हो गए हैं फादर हैं या हमारे दादाजी हैं उनकी मूर्ति बना दी, तो फोटो में देते हैं, फोटो के अकॉर्डिंग बना भी देते हैं। भैया आप इतना बड़ा स्टोर मैनेज कैसे करते हो? एक्चुअली मैनेजमेंट के लिए हमने दो चीज़ें मेन यूज़ करी हैं, एक तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स, एक टेक्नोलॉजी। दो चीज़ों को हमने एफिशिएंटली मैनेज किया है ताकि जो है हम मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। और बेसिकली हमारे बिजनेस में हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट तो पता है आपको, प्रोडक्शन। दूसरा पार्ट है हमारा स्टोर मैनेजमेंट और स्टोर की इन्वेंटरी मैनेज करना। और थर्ड पार्ट है हमारे जैसे कोई रिटेल का शोरूम कि कोई कस्टमर वॉकिंग करता है तो बंदे क्या दिखाएगा। चौथा पार्ट आ गया हमारा ऑनलाइन पार्ट। और पांचवा डिपार्टमेंट तो अकाउंट्स का ही, वो तो सब जगह होता ही, अकाउंट्स करना ही वो हम करते हैं। गवर्नमेंट को पैसे देने हैं, पेमेंट करना है, गवर्नमेंट को टैक्स बनना है, इनकम टैक्स बनना है। तो फिर मिलते हैं यहाँ के पिलर्स हैं। हाँ, आइए मिलते हैं हमारे एम्प्लॉय से जो कि कस्टमर वगैरह देखते हैं हमारे शोरूम के। ये भगवान दास है। जो कस्टमर आता है उससे पूछ लेते हैं सर क्या आपको क्या चाहिएगा, तो वह कहता है बोले अगर हम मूर्तियाँ चाहिए तो हम मूर्तियाँ दिखाते हैं कि ब्रास की मूर्तियाँ हैं या एल्युमिनियम की मूर्तियाँ हैं। ऐसे नहीं कि हम ब्रास को एल्युमिनियम को ब्रास बता दें। भगवान दास जी थैंक यू सो मच। और एक बात पूछनी थी आपसे कि आपको मूर्तियों का सेक्शन आपके नाम की वजह से दिया गया है? जी मैम। हम काफ़ी सीरियसली आंसर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा सोर्सिंग का है, तो आइए अब मैं आपको मिलाता हूँ अपने परचेज मैनेजर से जो परचेजिंग का और सोर्सिंग का काम देखते हैं, मिस्टर गौरव शर्मा जी। नमस्कार। मैं परचेजिंग देखता हूँ। जैसे भैया मेरे को ऑर्डर देते हैं कि क्या आइटम हमको चाहिए, बेसिकली जो कारीगर होते हैं उन पर जाके मैं ये देखता हूँ कि किस तरीके की सिल्ली यूज कर रहे हैं वो कारीगर और किस तरीके से वर्क कर रहे हैं हमारे जो आइटम हैं। मैं हर चीज़ देखता हूँ उनसे और फिर उसके बाद में वो आइटम मैं यहाँ पे अवेलेबल कराता हूँ। हमारी बात हुई परचेज मैनेजर गौरव जी से, तो थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं अब और उससे भी मिलते हैं। अगर मुझे पता होता ना इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी है तो मैं ये लहंगा पहन के नहीं आती। फाइनली स्टोर के थर्ड फ्लोर पे आ चुके हैं। देख देख के मतलब आइटम ख़त्म नहीं हो रहे हैं लेकिन बढ़ता जा रहा है यहाँ पे कि अभी ये भी है वो भी है। थर्ड फ्लोर में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रॉफीज़ वगैरह कहीं प्लांटर वगैरह है, घंटे हैं कि 1 किलो से लेके 101 किलो तक का घंटा हम पे मौजूद है। हम पे 250 किलो का घंटा भी मौजूद है लेकिन वो अभी स्टॉक में नहीं है, वो बन जाता है ऑर्डर पर। 2.5 किलो जैसे 2.5 किलो का हाथ होता है वैसे 250 किलो का घंटा भी है उनके पास। हिंदुस्तान में लोग मानते हैं कि मुझे 101 किलो घंटा चलाना है, 251 किलो घंटा चलाना है, उनके लिए हमने ये बनाया। आप देख रहे हैं ये हमारा ब्रास के और कॉपर के यूटेंसिल्स का बर्तनों का सेक्शन है। ये प्योर ब्रास का 51 पीस का डिनर सेट है। इसमें चाय पी सकते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या कॉपर के बर्तन में आप चाय नहीं पी सकते। कॉफ़ी भी नहीं, ये सिर्फ पानी पीने। गर्म नहीं पी सकते? नहीं, आप पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, पानी गर्म पी सकते हैं। चाय कॉफ़ी कॉपर में नहीं पीते हैं क्योंकि वो रिएक्ट कर जाती है। मैं सोच रही थी कि चाय पीने के लिए जाती हूँ लेकिन चाय नहीं पी सकते, रिएक्ट कर जाएगी। चाय पीने के लिए हम पे अलग आइटम है, आपको दिखाता हूँ मैं। कॉपर स्टील का है, अंदर स्टील दिया है, ऊपर कॉपर है, इसमें आप चाय वगैरह पी सकते हैं। ये ले जाऊंगी मैं, ठीक है। और हमारे मंदा तोड़ेंगे भी नहीं इसको। मंदा ने मेरे इतने कप तोड़ दिए हैं तो ये मुझे यूजफुल आइटम लग रहा है अपने लिए। आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एक तो ब्रास का सेट है, दो वैरायटी है ब्रास के सेट में, और ये कि कांसे का, कांसा मतलब कि ब्राउन जिसे बोलते हैं, ये मतलब ब्रास से भी अच्छा माना जाता है, चांदी के बाद इसको ही बेस्ट माना जाता है खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। ये महंगा है उससे? हाँ, ये उससे भी महंगा है। ये लगभग जो है 30,000 रुपीज की रेंज में, वो लगभग आएगा आपको 55,000 रुपीज। 30,000 का पूरा सेट है? सेट है हाँ। अच्छा, फिर ठीक है, मुझे लगा है। नहीं, ये आइटम नहीं। और ये करीब करीब 60,000 का सेट है कांसे वाला। इसमें ब्रास में तो आपको पता है कॉपर और जिंक मिलाते हैं, कांसे में मिलाते हैं हम कॉपर और टिन। टिन काफी कॉस्टली आइटम। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे स्टील के आइटम है, स्टील के पूरे डिनर सेट, चम्मच, स्पून सब मतलब अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। इसे कहते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी में अवेलेबल है। आप देखो इसको, जग को देखो, इतना हैवी जग है ये, एक्सपोर्ट क्वालिटी में, लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, एक्सपोर्ट वाले ही आइटम है यहाँ पे सारे।
ये आप देखो ये भी अलग ही क्वालिटी का आएगा, ये भी काफ़ी हैवी है, ये भी सब एक्सपोर्ट ही करता है, एक्सपोर्ट में फाइव स्टार होटल्स में चलते हैं राजा महाराजा लोग फाइव स्टार होटल में जो खाते हैं वो राजा महाराजा ही होता है। यहाँ भी कुछ दिख रहा है अलग 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 सा कुछ। हाँ, ये क्या है? ये ब्रास की शीट में पर्स है। पर्स है, ये भी खूब सेल होता है, अंदर से वेलवेट लगी हुई है ताकि जो आइटम खराब ना हो। इस टाइप के पर्स भी अवेलेबल है। क्या प्राइस है इसका? इसका प्राइस 1100 रुपीज़। इस एक वैरायटी का डिजाइन का ही सब अलग यूनिक क्वालिटी में है। काफ़ी यूनिक भी है, किसी को मारने के काम भी आएगा। अगर आपको अपनी सेफ्टी पर्स में सेफ्टी रखनी है तो पेपरमिंट स्प्रे के साथ साथ ये भी लीजिए और सीधे मुंह पे दे मारिए, उठेगा ही नहीं एक दो घंटे तक। इसके अलावा यहाँ पे कॉपर के वाटर कूलर भी हैं और ये आप देख रहे हैं बाहर से तो स्टील है लेकिन अंदर से कॉपर। ये बहुत यूजफुल चीज़ है। हाँ, मतलब ये ना काला भी नहीं होता है, गंदा भी नहीं होता, शाइनिंग ऐसी रहती है। कॉपर वगैरह के जो यूटेंसिल्स होते हैं काले पड़ जाते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है, इसमें ना यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, तो जैसे कि बहुत दूर गांव वगैरह में लोगों पे ना आरओ वगैरह नहीं होते तो पानी को यहाँ लाइए, उससे ये फिल्टर है, सैंड फिल्टर बोलते हैं इसे, फिल्टर होकर पानी नीचे जाता है। तो आपका मतलब ये आरओ भी है और कॉपर भी है। क्या प्राइस है ये? लगभग आपका जो है 4500 रुपीज़ का। जैसे आपने सुना होगा ना कि वो कह रहे हैं भी आरओ भी में कॉपर के गुण, तो दोनों है, आरओ भी है कॉपर भी है। सही है, अच्छी चीज़ है, काम की। ये बेसिक है, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई रिपेयरिंग नहीं है। जैसे आपका फिल्टर होता है कि भाई आरओ खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यही सही होता है आरओ से बेस्ट। हाँ, बहुत से बेस्ट यही है। ये हमारा लैम्प्स का कलेक्शन है। ये ब्रास में नहीं, ये ब्रास में नहीं है, ये स्टील में और आयरन में और एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम स्टील आयरन। ब्रास के लैम्प वगैरह नहीं बनती क्योंकि ब्रास बहुत कॉस्टली बैठता है और जनरली ये सब एक्सपोर्ट के आइटम है, इंडियन उसमें कम सेल होते हैं आइटम। आपके यूनिक आइटम्स क्या क्या हैं? यूनिक आइटम बेसिकली हमारे जो है वो ब्रास के स्टैचूज हैं और पूजा आइटम और जैसे आप देख रहे हैं वो पर्स वगैरह, इस टाइप के डेकोरेटिव आइटम और यूजफुल आइटम दोनों, ये हमारे यूनिक आइटम्स हैं। आप कस्टमाइज भी करते हैं? कस्टमाइज भी करते हैं लेकिन उसमें क्या ना थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब हम एक दो पीस नहीं करते कस्टमाइज, कम से कम 100 पीस या 200 पीस का ऑर्डर आपको देना पड़ेगा। ये क्रिस्टल बीट्स की रेंज है। इसमें ना आपने ये जो क्रिस्टल है ये अमेरिका से इंपोर्ट होते हैं और उसको तारों से पुराया गया अंदर पे आयरन में है, उसके ऊपर निकल ब्लेडिंग करी हुई है। आप लोग जितनी चीज़ें सोच सकते हैं यहाँ सब अवेलेबल है, यूनिक आइटम्स, लैम्प्स, सब कुछ है यहाँ पे। ये घड़ी भी है यहाँ पे, ये कॉपर की है शायद, ये आयरन की है, इस पर कॉपर की फिनिश दी हुई है। मैं कह रहा हूँ ना आपको, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जो आइटम बेसिक मटेरियल वो ही बता के बेचते हैं, हम नहीं कहते भाई ये लोहे पे आपने कॉपर की प्लेटिंग कर दी जैसे कॉपर बना के बेच दो। और ये आइटम देख रहे हैं ना, ये हमारा बहुत ही यूनिक आइटम है, इसे बोलते हैं हम घाघरा लैम्प। लैम्प जला के दिखाता हूँ एक बार, देखिए इसकी शाइनिंग ना बहुत अच्छी शेडो आती है पीछे। और ये ब्रास का है, ये येलो नहीं दिख रहा पर ये ब्रास है, इस पे ना सिल्वर प्लेटिंग करी गई है और एंटीक लुक दिया गया है, ये काला नहीं है, ये एंटीक लुक ही दिया गया है। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी यूनिक और एंटीक। अगर आप एंटीक चीज़ें पसंद करते हैं, शौकीन हैं, तो आपको उसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम्स मिल जाएंगे। और डू चेक आउट द लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन को खोल के देखिए। यूएस में, यूरोप में सब जगह बेचते हैं हम। तो किसी भी ऑनलाइन परचेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है पैकेजिंग। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ के जो पैकेजिंग पर्सन है, हितेश कुमार जी से। नमस्कार। जो ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं उसके कंप्यूटर के थ्रू होती है लिस्ट वगैरह, फिर हम उसको लेकर कोड के रेफरेंस के अनुसार हम इन्वेंट्री में से आइटम निकालते हैं, उसमें बबल रैप वगैरह करके एक बॉक्स में फिलिंग वगैरह भर के रेडी कर लेते हैं। तो हम वीडियो का प्रोसेस रखा है, उसमें वीडियो बनाते हुए वो आइटम पैक करते हैं। तो हमने बात कर ली है हितेश कुमार जी से। तो भैया, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रॉफीज हैं, फिल्म फेयर का अवार्ड भी दिख रहा है मुझे, तो क्या आप यूट्यूब प्ले बटन भी बनाते हो? एक्चुअली क्या ना, हम सब आए आइटम मेटल ही बनाते हैं, ब्रास के आइटम बनाते हैं, यूट्यूब के प्लेटिंग कर देना ना आप, ऊपर नीचे प्लेटिंग कर देते हो भाई, वो तो अगर यूट्यूब वाले करेंगे तो कर भी देंगे, हमारे लिए कर दो। अब आपके लिए अब सोच देखना पड़ेगा। तो हम लोग स्टोर में पहुंच गए, थोड़ी लाइट्स कम है सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। और हम मिल रहे हैं यहाँ के स्टोर को जो मैनेज करते हैं, स्टोर मैनेजर आशीष गुप्ता जी से। हमें कंप्यूटर द्वारा लिस्ट दी जाती है, उसी हिसाब से हमने रैक में जैसे 6 नंबर ये रैक पड़ा हुआ है, ऐसे ही 1st, 2nd, 3rd उसके खाने बना रखे हैं, उसी से हम जो है कोड वाई आइटम निकाल कर ऊपर दे देते हैं, जो कस्टमर को जो चाहिए होता है उसी तरह से हम जो सब निकाल के दे देते हैं, और जो कंप्यूटर में चढ़ जाता है, घटाना हो बढ़ाना हो वो सब हो जाता है उसमें। थैंक यू सो मच आशीष जी बताने के लिए कैसे आप मैनेज करते हैं। कई बार क्या होता है, कस्टमर आता है तो हमसे स्पेशल पैकिंग डिमांड करता है, नॉर्मली तो हम क्या करते हैं बबल लैप वगैरह तो लगाते हैं ताकि आइटम सेफ रहे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम वो गिफ्ट पैकिंग करते हैं। वो हमारे बंदे हैं मिस्टर ओमकार जी, ये करते हैं पैकिंग। कितने बड़े बड़े आइटम करते हो आप?
सभी कर देते हैं छोटे बड़े। सभी कर देते हो? और कितना टाइम लगता है नॉर्मली आपको? 5 मिनट। 5 मिनट? कितना ही बड़ा बाग रखा है उसको पैक करने में कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट। और स्पीड तो काफी तेज है आपकी, बस पैक हो गया ये? अरे वाह, इतनी देर तो हम सोचते रह जाते हैं कि कैसे पैक करना है, उतनी देर में उन्होंने फट 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 करके सारा पैक कर दिया है। ये आपने कहाँ से सीखा? यहीं सीखा। अच्छा, इसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं होते होंगे? नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं हम लोग, ये इंक्लूडेड है। हमारा शोरूम का नाम ही है ब्रास गिफ्ट सेंटर। एक्चुअली क्या ना, हम लोग सिर्फ ऑनलाइन नहीं बेच रहे, ऑनलाइन तो बेच ही रहे हैं और साथ में रीसेलर वगैरह को भी बेच रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा मीशो वगैरह ऐप में लोग रीसेलर जुड़े रहते हैं, वो रीसेलिंग करते हैं, उस टाइप के कस्टमर भी हमारे पास हैं। और हमारे पास एफिलिएट सिस्टम भी है कि आप हमसे हमारा एफिलिएट बन सकते हैं, हमारे आइटम को डायरेक्टली अपनी साइट पर या अपने व्हाट्सएप पर बेच सकते हैं और कमीशन कमा सकते हैं। और वो सब काम मैनेज करने के लिए हमारे पास 3 एम्प्लॉयज़ हैं। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। मेरा नाम सागर है और मेरे यहाँ पर मेन वर्क जो है वो न्यू ऑर्डर को देखना, जो भी न्यू ऑर्डर आता है वो कस्टमर को कॉल करना है, जिससे कि ऑर्डर का हमें पता चल जाता है कि ऑर्डर कंफर्म है या नहीं। फिर उसको हम इन्वेंट्री में भेजते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी GST बिलिंग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसे मतलब उसके शिपिंग लेवल जनरेट करते हैं, जिससे कि ऑर्डर कस्टमर तक पार्टी तक पहुँच जाए। सही सलामत इन्वेंट्री हमने आपको दिखाई थी नीचे स्टोर, जो कि आशीष जी ने आपको दिखाया था। आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम प्रशांत शर्मा है और मैं फ़ोटो एडिटिंग वगैरह करता हूँ और अपनी साइट पे आइटम अपलोड करता हूँ। ये ऑनलाइन अपलोडिंग का काम मेरा होता है। आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम प्रियंक शर्मा है, मैं मार्केटिंग का वर्क संभालता हूँ। मैं साइट के साथ हमारी यूट्यूब पे भी मार्केटिंग होती है, तो हमारे वहाँ पे वीडियो अपलोड होती है, एडिटिंग होती है, तो मैं वो वर्क देखता हूँ। और हमारा हम उसके साथ रीसेलर्स के साथ भी वर्क करते हैं, जो व्हाट्सएप पे हम उनको ग्रुप, हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें हम उनको ऐड करके वहाँ से सेलिंग करते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं यहाँ का जो सारा जो मेन केंद्र है, जहाँ पे सब कुछ होता है। और एक शख्स जिससे हम अभी तक नहीं मिले हैं वो है उनके बिजनेस पार्टनर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश अग्रवाल है और ये मेरे छोटे भाई विक्रांत गुप्ता हैं। इस शोरूम को इन्हीं की देखरेख में देखा जाता है। तो आई थिंक दो भाइयों की जोड़ी हमेशा जो होती है वो बेस्ट होती है किसी भी चीज़ में। तो हमारा जो बेसिक फोकस है वो ये है कि मुराद के सारे आइटम, ज़्यादा से ज़्यादा आइटम हम आपको डोर डिलीवरी करा सकें, इसलिए हमने ऑनलाइन साइट भी बनाई है। और हम रीसेलर को भी, होलसेलर्स को भी, रिटेलर्स को भी और एफिलिएट्स को भी अपने साइट के साथ जोड़ना चाहते हैं, ताकि वो हमसे जुड़े और वो भी अपना बिजनेस करें, हम भी अपना बिजनेस आगे बढ़ें। तो यहाँ पर हमारा जो आज एक्सप्लोरेशन था ब्रास गिफ्ट सेंटर स्टोर का मुरादाबाद में, वो ख़त्म होता है। और हम जानना चाहेंगे यहाँ का एड्रेस क्या है। यहाँ का एड्रेस है नियर चौधरी चरण सिंह चौक, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। और जो नहीं आ सकते हैं वो कैसे यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं? वो हमें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे आना है तो गूगल मैप में आप हमारा सर्च कर सकते हैं, ब्रास गिफ्ट सेंटर के नाम से गूगल मैप डायरेक्ट आपको लोकेशन दिखा देगा। तो ये थी हमारी ब्रास गिफ्ट सेंटर की यात्रा, यहीं पे ख़त्म होती है और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।